Hello student, today we will discuss about blood group incompatibility which arise during blood transfusion or during mixing of maternal and fetal blood. Previous lecture में हमने discuss किया था about blood group, ABO blood group system, AB blood group system and RH blood group system, RH factor system. तो आज हम पढ़ेंगे कि incompatibility कब arise होती है. ये आपने सुना होगा कि if any person needed blood during emergency condition, if hemorrhage or bleeding take place, तो उस case में उसको कौन सा blood transfer किया जाता है, transfuse किया जाता है intravenously, आपने सुना होगा. तो generally blood group transfer या transfuse किया जाता है उसको specific blood group जो उसका खुद का ब्लड ग्रुप है. सपोज पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए तो उसको ए ही दिया जाता है या फिर ओ दिया जाता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि इनकॉम्पेटिबिलिटी किस वजह से या कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या मदर में ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो उसके नियोनेट में पैदा हुए बच्चे के अंदर कुछ हीमोलिटिक डिजीज को लीड करती है. तो फर्स्ट कम ओवर इनकॉम्पेटिबिलिटी. इनकॉम्पेटिबल का मतलब जहां पे मैचिंग ना हो, और यदि मैचिंग ना हो तो देर इज सम अराइवल ऑफ इम्यूनोजेनिक रिएक्शन बिकॉज every specific individual having specific blood group and specific antigen over the surface of RBC. So today we will discuss about two type of incompatibility. First one is ABO incompatibility and second one is RH incompatibility. So first one, ABO incompatibility, and second we discuss about RH. RH is factor incompatibility, जिस पे आज का हमारा पूरा टॉपिक बेस्ड होगा. तो फर्स्ट कम ओवर ABO incompatibility, इट अराइज इन टू कंडीशन. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कम ओवर डिस्क्रिप्शन ऑफ ABO incompatibility. ABO incompatibility अराइज इन टू कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट इज ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर टू रेसिपियंट अक्रॉस इंट्रावेनसली या इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन. एंड सेकेंड वन इज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ मेटर्नल एंड फीटल ब्लड. मेटर्नल एंड फीटल ब्लड. तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट इनकॉम्पेटिबिलिटी विच अराइज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ डोनर विथ ब्लड ग्रुप ए, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ए ले लो. If donor is blood group A and recipient with blood group O, suppose O blood group है. recipient कौन होते हैं, जिनके अंदर ड्यू टू सीवियर एनीमिया हो या फिर सीवियर ब्लीडिंग हो चुकी हो ड्यूरिंग सर्जरी कंडीशन, या हेमरेजेज हो चुके हों, एक्सीडेंटल कोई केस हो जिसको ब्लड की डिमांड है, तो रेसिपियंट कोई भी हो सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया है, आप इसको समझिएगा कि किस तरह से इनकॉम्पेटिबिलिटी अराइज होती है. तो फर्स्ट रेसिपियंट विथ ब्लड ग्रुप ओ, ये ले लिया हमने रेसिपियंट का ब्लड. Having blood group O, that means over the surface of RBC there is nil antigen. मैंने बताया था कि surface of RBC पे कोई antigen नहीं है, nil antigen है, then the blood group is said to be O blood group, nil antigen, AG. और इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है, हेयर मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूँगी, एंटीबॉडी A एंड B both. ये तो थी बेटा रेसिपिएंट. अब बात आते हैं यहाँ पे डोनर कौन है, इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप ए, कि यदि चेक ना किया जाए डायरेक्टली ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी. आरबीसी विथ स्पेसिफिक एंटीजन ओवर द सरफेस ए, ए एंटीजन, देन द ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी ए, एंड प्लाज्मा विथ एंटीबॉडी
बी। अब ये हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया, ये हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ बेटा, डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी में। तो ये आ गया डोनर ब्लड इनसाइड द बॉडी ऑफ रेसिपिएंट हैविंग सरफेस एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। अब आप ध्यान से देखें, इसके सरफेस पे ए एंटीजन है, इनके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन जो डोनर से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है रेसिपिएंट की बॉडी में, एंड दैट ब्लड कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी बी, एंड दिस एंटीबॉडी बी स्टार्ट डिस्ट्रक्टिंग या स्टार्ट क्या कहेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ए एंटीजन है सरफेस पे, अब यदि आप डोनर की ब्लड प्लाज्मा में देखें, सीरम में, रेसिपिएंट के ब्लड सीरम में देखें, तो कौन से एंटीबॉडी लोकेटेड हैं, एंटीबॉडी ए एंड बी, और आपने कौन सा उसको ब्लड दे दिया, ए एंटीजन का। देयर ब्लड रेसिपिएंट ब्लड कंसिस्ट ऑफ एंटी ए, और यहाँ पे डोनर से कौन सा एंटीजन आया है, ए एंटीजन, तो ये इसको क्या करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। देर इज अराइवल ऑफ सीवियर इम्यूनोजेनिक रिएक्शन। अब आप देखें कि जो रेसिपिएंट का एंटीबॉडी ए था, उसने किसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, किसके साथ जाके स्टिक हो गया वो, इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है। ये ध्यान से देखें कि ये है ब्लड, इसके ऊपर है कोई भी एंटीजन, तो ये जो एंटीबॉडी है वो इसके साथ इस ढंग से जाके अटैच हो जाते हैं और ए ग्लूटिनेट कर देते हैं, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ऑफ डोनर। मतलब यहाँ पे जो आरबीसी आया उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। हेयर द रेसिपिएंट ब्लड कंसिस्ट ऑफ एंटी ए एंड एंटी बी बॉडी, दिस एंटीबॉडी ए स्टार्ट ए ग्लूटिनेट, स्टार्ट स्टिकिंग ओवर द सर्फेस ऑफ ए एंटीजन एंड अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ऑफ डोनर ब्लड। जो डोनर ब्लड से ब्लड चढ़ाते जा रहे हैं, सीवियर डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस, और आरबीसी डिस्ट्रक्ट होंगे तो इट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन इन ब्लड एंड सीवियर जॉन्डिस टेक प्लेस। तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर जॉन्डिस इफ ब्लड ग्रुप इज नॉट मैच। तो आप ब्लड ग्रुप ए किसको नहीं दे सकते, रेसिपिएंट को नहीं दे सकते, ओ ब्लड ग्रुप। तो नाउ दिस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंटीबॉडी ए ऑफ डोनर रेसिपिएंट ब्लड ए ग्लूटिनेटेड स्टार्ट स्टिकिंग ओवर द सरफेस ऑफ RBC of donor with A antigen. After agglutination, it destruct the RBC and अल्टीमेट इंक्रीज, जैसे जैसे आरबीसी डिस्ट्रक्ट होंगे, इट इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन इन रेसिपिएंट ब्लड। रेसिपिएंट के ब्लड में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, विच स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिनिथ द स्किन और इन आई बॉल एंड अल्टीमेट लीड टू जॉन्डिस। और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इट ऑल्सो लीड टू एनीमिया, खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मिसमैचिंग होना कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी को भी। नेक्स्ट अब इसका अपोजिट ले लेते हैं हम, कि इफ डोनर इज ओ ब्लड ग्रुप, उसमें भी थोड़ी सी इनकॉम्पिटिबिलिटी आती है। अब आपको मैं ध्यान से समझाऊंगी, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, कि यहाँ पे डोनर है विथ ओ ब्लड ग्रुप एंड रेसिपियंट विथ ए और बी, और ए बी कोई भी ब्लड ग्रुप ले लें आप, रेसिपियंट विथ ए ब्लड ग्रुप, अपोजिट केस ले लिया, देन वॉट विल हैपन। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे रेसिपियंट ओ ब्लड ग्रुप के थे, यहाँ पे रेसिपियंट हमारे ए ब्लड ग्रुप के हैं, अपोजिट है थोड़ा सा। ध्यान से देखें, ये सपोज हमने ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, रेसिपियंट ब्लड को, आर बी सी
क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है देन आरबीसी कंसिस्ट ऑफ एंटीजन हेयर एंटीजन इज रिप्रेजेंट विद ब्लू कलर ए एंटीजन देन द ब्लड ग्रुप इज सेड टू बी ए बट देयर प्लाज्मा और ब्लड सीरम ऑफ रेसिपिएंट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी बी क्लियर नाउ द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर इज ओ with nil antigen they over the surface of RBC or Donnan's membrane but consist of antibody A and B both in their blood serum ये हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा डोनर ब्लड के नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक प्लेस हमने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया एंड नाउ द ब्लड स्टार्ट एंटरिंग इन टू द रेसिपियंट बॉडी विथ नो एंटीजन ओवर द सर्फेस ऑफ आरबीसी लेकिन आप देखें कि कोई एंटीजन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों हैं क्लियर नाउ दिस एंटीबॉडी ए ऑफ डोनर ब्लड Now this antibody A of donor blood starts sticking to the surface of recipient blood. किससे stick कर जाएगा यहाँ पर recipient blood and lead to their destruction. लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान रहे किसका antibody destruct कर रहा था recipient का यहाँ पर किसके antibody destruct कर रहे हैं donor के तो ये reaction mild होगी as compared to that reaction. तो now क्या problem arise होती है यहाँ पर तो दिस एंटीबॉडी ए स्टार्ट स्टिकिंग और टारगेटिंग एंटीजन लोकेटेड ओवर आरबीसी मेम्ब्रेन देन व्हाट विल हैपन ये हेयर एंटीबॉडी ए ऑफ डोनर ब्लड स्टार्ट अटैकिंग और डिस्ट्रक्टिंग आरबीसी of recipient with A antigen but this immunogenic reaction is milder this immunogenic reaction is milder milder ka matlab not more severe ज़्यादा life threatening नहीं कह सकते हम लेकिन जो previous one मैंने आपको केस बताया उसमें सीवियर इम्यूनोजेनिक रिएक्शन थी इज माइल्डर बट एज द आरबीसी डिस्ट्रक्ट अगेन द लेवल ऑफ बिलीरुविन एंड बिलीवर्डिन इंक्रीजेस क्योंकि यदि आरबीसी टूटेंगे तो बिलीरुविन बिलीवर्डिन तो बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली टू माइल्डर जॉन्डिस ये तो थी सिंपल तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट केस में सीवियर जॉन्डिस टेक प्लेस इट लीड टू सीवियर जॉन्डिस तो आप दोनों केस में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि यदि डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और रेसिपिएंट ओ ब्लड ग्रुप है मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले को आप ए नहीं दे सकते लेकिन यदि डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है रेसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप है फिर भी माइल्डर जॉन्डिस तो होगी ही होगी तो कौन सा ब्लड ग्रुप हमें देना चाहिए किसी भी रेसिपिएंट को तो इफ रेसिपिएंट विथ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए then safer के लिए then the person transfused with same blood group that is transfused with A blood group or O negative blood group having or lack of RH antigen. तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिसका भी ब्लड ग्रुप जो है स्पेसिफिक ए है बी है ए बी है तो उसको हम वही ब्लड ग्रुप दें तो
इनकॉम्पेटिबिलिटी के चांसेस माइल्डर या निल के बराबर होते हैं। लेकिन यदि आप किसी को ओ ब्लड ग्रुप भी दे रहे हो, हालांकि ओ ब्लड ग्रुप कैसा है आपका यूनिवर्सल डोनर, लेकिन माइल्डर इनकॉम्पेटिबिलिटी तो ये भी लीड करता है एंड दैट इज सेड टू बी ए बी ओ इनकॉम्पेटिबिलिटी विच अराइज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इफ द एंटीजन, यदि सरफेस पे डोनर के आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन है और वो बॉडी में एंटर कर रहा है, देन द इम्यून रिएक्शन इज सीवियर एंड द जॉन्डिस इज सीवियर। बट इफ एंटीबॉडी रिएक्ट, देन द रिएक्शन इज माइल्डर एंड अगेन द जॉन्डिस इज माइल्डर। तो ये थोड़ा सा माइल्डर होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप फिर भी हम सेफ मान लेते हैं, लेकिन 100% सेफ कहना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस कम ओवर। नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड केस, दैट इज मिक्सिंग ऑफ मेटरनल एंड फीटल ब्लड। इनकॉम्पेटिबिलिटी किस वजह से अराइज होती है? तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इनकॉम्पेटिबिलिटी अराइज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड लीड टू जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस एंड माइल्डर जॉन्डिस। नेक्स्ट कम ओवर कि कब मेटरनल एंड फीटल ब्लड किस तरह का होगा, जब मिसमैचिंग या इनकॉम्पेटिबिलिटी या बच्चे के अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो कौन कौन से केस होंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। आपने पढ़ा था ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी, क्लियर होगा आपको। ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होता है बेटा ब्लड सीरम में, इसके हमने पढ़ा था एंटी बी, और ब्लड ग्रुप ए पर्सन हैविंग एंटीबॉडी ए, सॉरी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी ए बी एंड ए रिस्पेक्टिवली इन ब्लड ग्रुप ए एंड बी इन ब्लड सीरम, इन ब्लड सीरम। इसके ऊपर नीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, नॉट इन योर सिलेबस बट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंटीबॉडी बी एंड एंटीबॉडी ए, दिस एंटीबॉडी बिलोंग टू IgM टाइप। मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबॉडी हैं वो 5 टाइप के होते हैं बेटा, IgA, IgD, IgE, IgM एंड IgG, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी इन आर ब्लड सीरम। 5 तरह के एंटीबॉडी जो आप प्लस 2 में पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में। बस आप ध्यान रहें कि जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है उनके ब्लड सीरम में एंटीबॉडी बी एंड एंटीबॉडी ए है विच बिलोंग टू IgM टाइप, विच इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट एंटीबॉडी इन आर बॉडी। 5 मॉलिक्यूल को मिलके बनता है ये, दैट्स व्हाट इज सेड टू बी पेंटामर, पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन्स, एंड दिस इज द लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट वन। वेयर एज IgM इज द मोनोमर, मोनोमर होता है एक ही इसके अंदर मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी का सिंपलेस्ट डायग्राम बताऊं तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप अल्फाबेट। एक यदि स्ट्रक्चर है वाई शेप तो उसको बोलेंगे मोनोमर, और यदि ऐसे ऐसे 5 मॉलिक्यूल जुड़ जाएं, 5 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएं, देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पेंटामर। तो यहाँ पे हम 2 पे ही फोकस करेंगे बेटा, क्योंकि मैं अभी इनके फंक्शंस एंड मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करने वाली। बस आपको ध्यान रहे कि जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है उनके ब्लड सीरम में कौन से एंटीबॉडी हैं रिस्पेक्टिवली बी एंड ए हैविंग टाइप IgM टाइप विच बिलोंग टू पेंटामर स्ट्रक्चर। Whereas mother with blood group O या कोई भी individual with blood group O, their blood serum consist of antibody A and antibody B, both type, both, but ये किस type का है IgG type। अब यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि दिस IgM इज पेंटामर शेप और पेंटामर टाइप, वेयर एज IgG इज मोनोमर टाइप। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा होता है IgG इन ब्लड सीरम, विच कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेट 75% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। जो आपने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था उसका 75% कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं IgG। अब इसका साइज बड़ा है, बिगेस्ट है, और इसका साइज छोटा है, दैट्स वाई दिस एंटीबॉडी नॉट एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग जस्टेशन पीरियड। जब बच्चा अपने मदर के वूम में है, उसकी जस्टेशन पीरियड चल रही है 9 मंथ की, तो दिस एंटीबॉडी नॉट एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा, बट दिस एंटीबॉडी कैन क्रॉस। तो हेयर दिस IgM नॉट एबल टू
cross the placenta due to its biggest size, whereas IgG able to cross the placenta. तो अब बात आ जाती है कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि हम इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ रहे हैं मिक्सिंग ऑफ मेटरनल एंड फीटल ब्लड. येट मेटरनल एंड फीटल ब्लड मिक्स ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन, जब डिलीवरी होती है बच्चे की एंड प्लेसेंटा गेट डिस्ट्रैक्ट, देन देयर इज मिक्सिंग, सम ब्लड फ्रॉम फीटस स्टार्ट मूविंग इनसाइड द ब्लड ऑफ मदर एंड मदर ब्लड स्टार्ट मूविंग इनसाइड द फीटल ब्लड. अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन देर इज नो मिक्सिंग ऑफ मेटरनल एंड फीटल ब्लड, जस्ट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस वाया डिफ्यूजन अक्रॉस प्लेसेंटा. तो अब बात आती है कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आएगी. तो आ जाते हैं हम अपने डायग्राम पे कि इफ मदर विद ब्लड ग्रुप ओ, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है उनके एंटीबॉडी नहीं क्रॉस कर पाते प्लेसेंटा, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप मदर का ओ है, देयर एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बिकॉज द साइज ऑफ एंटीबॉडी ए एंड बी इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ओ इज IgG टाइप. तो अब हम पढ़ेंगे कि सपोज ये है बेटा, मैं इनसाइड द एब्डोमेन स्ट्रक्चर बना रही हूँ, वोम्ब का स्ट्रक्चर बनाया मैंने सिंपली समझाने के लिए. ये है फिटस, क्लियर. सपोज फिटल ब्लड एंड दिस इज प्लेसेंटा, हियर दिस इज प्लेसेंटा. मदर विथ ब्लड ग्रुप ओ, हियर मदर विथ ब्लड ग्रुप ओ हैविंग no antigen over the surface of RBC but consist of antibody A and antibody B in blood serum, maternal blood serum. And this antibody is IgG type. ये confusion होती है बच्चों को कि यही एंटीबॉडी क्यों क्रॉस करते हैं, बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर IgG टाइप, मोनोमर टाइप एंड देयर साइज इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड. सपोज बेबी विथ ब्लड ग्रुप ए, कोई भी एग्जांपल ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ए बी ले लो, तो बेबी का कोई भी ब्लड ग्रुप ले लो. तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, आप कहेंगे तो बी भी ले लेंगे. तो यहाँ पे जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप सपोज बी है, तो उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है बेटा, बी, क्लियर. तो हेयर फीटस विथ ब्लड ग्रुप बी, कोई भी एग्जांपल ले लो, कंफ्यूज मत होना, चाहे हम बी ले लें और हम कोई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कौन सा ब्लड ग्रुप, बी. तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इनकॉम्पेटिबिलिटी कैसी अराइज होगी, वो ध्यान से देखें. दीज एंटीबॉडी स्टार्ट क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, दीज एंटीबॉडीज स्टार्ट क्रॉसिंग द प्लेसेंटा ड्यू टू इट्स साइज, ड्यू टू इट्स साइज बिकॉज इट बिलोंग टू IgG टाइप. नाउ दिस एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी enter into fetal blood, clear, and the surface of RBC of fetal blood consists of B antigen. Now this antibody B, maternal blood start clumping or attach or agglutinate over the B antigen and destruct the RBC of fetus. RBC destruct होनी शुरू हो जाएगी. लेकिन मैंने आपको starting case में बताया था कि जो antibody immune response generate करती है वो क्या होती है, slow, और जो antigen immune response start करते हैं या trigger करते हैं वो क्या होते हैं, severe होते हैं. तो these antibody here, तो क्या क्या problem आई लिखें पहले यहाँ पे. This maternal blood containing antibody A and B cross the placenta अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, B. तो this here antibody B of mother start agglutinated
over the surface of RBC of fetal blood and ultimate destruct it. But this destruction is not severe, it is milder. Now the baby delivered अगेन आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो उसके ब्लड में किसका लेवल बढ़ रहा है, बिलीरुविन एंड बिलीवर्डिन. तो जो बच्चा पैदा हुआ है बाय बर्थ इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. तो बेबी डिलीवर्ड विथ जॉन्डिस एनीमिया बट इट कैन नॉर्मल या इट बिकेम नॉर्मल आफ्टर 14 to 18 days ऑफ पार्टुरेशन. पैदा होने के 2 week to 3 week वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है. तो ये थी प्रॉब्लम. तो जनरली आपसे पूछा जाए नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो मिक्सिंग मैटरनल एंड फीटल ब्लड की है इसमें इनकॉम्पिटिबिलिटी किस केस में अराइज होगी, तो यहाँ पे आप सीधा ध्यान रखेंगे दिस इनकॉम्पिटिबिलिटी अराइज ओनली व्हेन द मदर विथ ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि और किसी भी ब्लड ग्रुप क्रॉस एंटीबॉडी क्रॉस ही नहीं कर सकते प्लेसेंटा को. मदर विथ ब्लड ग्रुप ओ एंड फीटस विथ ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी. तो दिस इनकॉम्पिटिबिलिटी अराइज ओनली वेन मदर विथ ब्लड ग्रुप ओ. तो ये ध्यान रखा जाता है कि यदि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर इनकॉम्पिटिबिलिटी अराइज हो सकती है बच्चे के अंदर. और बाय बर्थ बच्चे के अंदर जॉन्डिस, आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पीलिया की प्रॉब्लम होती है. एंड जनरली दिस प्रॉब्लम अराइज इफ़ द मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ एंड बेबी विथ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ए बी. लेकिन यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है देन द बेबी इज नॉर्मल. तो इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं. नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी जो बहुत ही सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है बच्चे के लिए. थैंक यू.